नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु प्रकाश, प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। शिक्षार्थियों, मैं आज आपको अगस्त कॉम्प्ट के 3 स्तरों के नियम के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समाजशास्त्री सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक तथा समाजशास्त्री अगस्त कॉम्प्ट को जाता है। वास्तव में अगस्त कॉम्प्ट ने सामाजिक जो विचारधारा था उसका आधार कल्पना न रख करके वैज्ञानिक तथ्य, निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण को रखा। आप जानते हैं कि अगस्त कॉम्ते ने इस विज्ञान को पहले पहल सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी, किंतु 1838 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द को हटाकर समाजशास्त्र रखा। कॉम्ते जी का मानना था समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट का जन्म 1798 को हुआ था। चूँकि इन्होंने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रमुख विचारकों में अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मंटीपेलियर नामक स्थान में हुआ था। ये एक दार्शनिक थे और सेंट साइमन जो एक प्रमुख दार्शनिक थे उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव अगस्त कॉम्ट के विचारों पर पड़ा। उनके विचारों का प्रभाव उनकी महान कृतियों जैसे पॉजिटिव फिलोसॉफी, पॉजिटिव पॉलिटी आदि में इनका गहरा प्रभाव पड़ा। अगस्त कॉम्ट वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। समाजशास्त्र में इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। सामाजिक विचारक कॉम्ते की मृत्यु 1857 में हुई। वास्तव में समाजशास्त्र आज जो कुछ भी है वह अगस्त कॉम्ते के ही देन है और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कॉम्ट का 3 स्तरों का नियम एक महत्वपूर्ण योगदान है। 1822 में जब आप केवल 24 वर्ष के थे तब आपने इस नियम का प्रतिपादन किया था कि मानव का जो बौद्धिक विकास है वो 3 स्तरों से गुजरता है, यानी जो उनकी सामाजिक विचारधारा है वो 3 स्तरों से होकर के गुजरती है। और सभी मतलब जितना भी ये जो बौद्धिक विकास होता है, जब अगस्त कॉम्ते ने मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन किया तो उनका मानना है कि हमारा प्रत्येक विचार, हमारी प्रत्येक अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 स्तरों से होकर के गुजरती है। अब ये 3 स्तर कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर, दूसरा है तात्विक अवस्था या अमूर्त स्तर, तीसरा है आपका वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्ष अवस्था या प्रत्यक्ष स्तर। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम धार्मिक स्तर। अगस्त कॉम्ते का मानना था कि जो मानव मस्तिष्क है वो सबसे पहले इस स्तर में जब होता है तो वो अपने वह जो भी विचारधाराएं होती हैं, जो भी घटनाओं के बारे में वो सोचता है, तो वो सोचता है कि समस्त चीज़ों को उन्होंने ईश्वर का प्रतिरूप माना। यानी उनका मानना था कि कोई ऐसा अलौकिक प्राणी है जिनकी तत्कालीन प्रक्रियाओं के रूप में मतलब ये हमारी समस्त घटनाएं समाज की घटित होती हैं। उनकी धारणा था कि समस्त चीज़ों का कार्य रूप असल में अलौकिक शक्तियां हैं तथा समस्त जो भी संसार में हमारी समस्त शक्तियां हैं वो इन्हीं सब शक्तियों का परिणाम होती हैं। जैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जल होता है, जल प्रभाव होता है, चल अचल जितनी भी चीज़ें होती हैं वह सभी इन्हीं शक्तियों से क्रियाशील रहती हैं। कॉम्ते के अनुसार धार्मिक स्तर के भी इन्होंने 3 स्तर बताए थे। वो 3 स्तर थे इनके, जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और अद्वैतवाद। अब देखिए, हम लोग जीवित सत्तावाद की बात करते हैं, तो जो इनका ये पहला उपस्तर था उनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जादू टोना होता है और मतलब जादू टोना पर जो विश्वास किया जाता है, तब कॉम्ते मानते थे कि जो पहला हमारा उपस्तर है वहाँ पर प्रत्येक वस्तु में जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, बहुदेवत्ववाद। अब बहुदेवत्ववाद में क्या है, वहाँ पर मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा अधिक संगठित हो जाता है। अब इस स्तर में मानव क्या समझता है कि जादू और टोनों से परेशान होकर के मानव के अंदर जितने भी देवी देवता है उनका एक सम्मिलित रूप आ जाता है।
तब मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो यह मानने लगता है कि जितने भी समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे जीवन का किसी भी परिपेक्ष्य से या किसी भी पक्ष से जो संबंधित होता है, वो एक देवता ना होकर के मतलब जो हमारे विभिन्न पहलू हैं जीवन के, उनमें क्या होता है कि अलग अलग परिपेक्ष्यों से संबंधित एक एक देवता का जन्म होता है। यही जो है हमारा बहुदेवत्ववाद का स्तर है, अर्थात इसमें अनेक देवताओं का देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। उसके बाद आता है तीसरा हमारा अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद में क्या होता है कि इस स्तर में मनुष्य अपने समस्त चिंतन या श्रद्धा विश्वास को अनेक देवी देवताओं में न बांट करके किसी एक ईश्वर पर अपनी श्रद्धा और विश्वास को मतलब अपनी श्रद्धा और विश्वास को न्यौछावर करके उनकी तरफ को उन्मुख होने लगता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस स्तर पर मनुष्य का मस्तिष्क और अधिक सुसंगठित हो जाता है। इस स्तर पर मानव अनेक देवी देवताओं पर विश्वास न करके वह मानता है कि जितने भी जो अलग अलग देवी देवता न हो करके वह प्रत्येक घटना और वस्तु का कारण किसी एक देवता को मानता है, ठीक है, वह है अद्वैतवाद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे स्तर पर। पहला स्तर तो जो मैंने आपको बताया था धार्मिक स्तर, उसके तीन उप स्तर होते हैं। पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहुदेवत्ववाद और तीसरा है अद्वैतवाद। अब आते हैं हम दूसरे स्तर पर, तात्विक स्तर। अब तात्विक स्तर क्या है? इस स्तर में ईश्वर का जो चिंतन है व्यक्ति के रूप में ना होकर के एक शक्ति के रूप में होता है। यानी अगस्त कॉम्प्ट का मानना था कि मनुष्य का मस्तिष्क यह समझने लगता है कि संसार में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं वह किसी एक ईश्वर के कारण नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति या कोई ऐसा निराकार शक्ति है जो इसे संचालित कर रही है। तो और उस शक्ति का अस्तित्व है समाज में, और इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह केवल उस अदृश्य शक्ति, वही अदृश्य शक्ति उसको संचालित कर रही है। तो इस संबंध में मतलब वो कहता है कि जो शक्तियां हैं उसका संबंध किसी व्यक्ति या किसी शरीर विशेष से नहीं होता है। वह एक अमूर्त और निराकार शक्ति है और शाश्वत है, जो स्वयं में पूर्ण है। तो मनुष्य का मस्तिष्क उस पर विश्वास करने लगता है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्तर आता है वो आता है वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारे जो सामाजिक विचारधारा या चिंतन हमारे तीन प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरता है, यानी तीन स्तरों से होकर के गुजरता है। ठीक है, पहला था आपका धार्मिक स्तर, दूसरा था आपका तात्विक स्तर, तीसरा है आपका वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर। अब इस स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति अपने तात्विक विचारों को छोड़ करके निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। यानी वह एक वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष स्तर पर प्रवेश करता है। अब इस स्तर में आकर के मनुष्य यह समझने लगता है कि प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में घटित हो रही है उन घटनाओं का अध्ययन वो क्या करता है, अपने तर्क और निरीक्षण के आधार पर करने लगता है। उनका मानना था कि जब भी हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तो उनमें सामान्य तथ्यों और घटनाओं के बीच संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं, और यह अन्वेषण निरीक्षण के द्वारा ही यथार्थ हो सकता है। कांट के अनुसार विश्व के जितने भी विभिन्न तथ्य या घटनाओं को अगर हम वास्तविक रूप में मतलब समझने का प्रयास करते हैं तो वह निरीक्षण और वर्गीकरण के द्वारा ही मतलब निरीक्षण परीक्षण वर्गीकरण के ही द्वारा संभव हो सकता है। प्रत्यक्षात्मक स्तर पर मनुष्य न तो काल्पनिक किले बनाता है और न ही तात्विक विचारों पर मतलब तात्विक दृष्टि से संसार के विभिन्न तत्वों को देखने का प्रयास करता है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही अंतिम उद्देश्य माना जा सकता है। अतः मानव ज्ञान अथवा चिंतन जब इन तीनों चरणों से होकर के गुजरता है तो ऐसा माना जाता है कि इन तीनों स्तरों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो कांटे मानते हैं कि हो सकता है कि वे एक ही समाज में या एक ही मस्तिष्क में साथ साथ हो सकते हैं या साथ साथ पाए जा सकते हैं। अतः मानव चिंतन अथवा ज्ञान के ये तीनों स्तर पूर्णतः पृथक नहीं है। व्यक्ति इन तीनों स्तरों से गुजर करके ही उसकी सामाजिक विचारधारा आगे बढ़ती है। थैंक यू बच्चों।